नमस्कार दोस्तों, ये मैं अभी बलरामपुर से पिछपड़वा जा रहा हूँ और ये रोडवेज बस सेवा है, उत्तर प्रदेश रोडवेज बस सेवा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किराया जो कि है इसमें 62 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करके 64 रुपया ले रहे हैं। वहाँ के कंडक्टर हैं, 64 रुपया ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये टोल प्लाजा जो यहाँ पर लगा है, टोल प्लाजा का एक्स्ट्रा चार्ज है। अब आप ये बताइए कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है, कि प्रशासन इनके अंडर में होना चाहिए कि उसी में से टोल प्लाजा का जो कटता है, सरकारी बस सेवा उसके अंतर्गत कटता है, लेकिन ये किस तरह से ये 2-2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करके ये लेते हैं। अगर एक तरफ का टोल प्लाजा का अगर बात किया जाए तो कितना रुपया लगता होगा मैक्सिमम? अब ये कितने सवारी इसमें भरे होंगे? इसमें लगभग 50 से ज़्यादा सवारी हैं, कम से कम 100 से पार होंगे, ज़्यादा होंगे, आप देख सकते हैं। और ये किस तरह से ये 2-2 रुपये, अगर 100 सवारी हैं तो 200 रुपया, 100 × 200 रुपये ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं सवारियों से, लोगों से। अब बताइए किस तरह से टोल प्लाजा का इतना 200 रुपया, या इससे जितने भी सवारी हैं इतना रुपये टोल प्लाजा का लगता है क्या? जितना किराया नहीं उससे ज़्यादा इनका तो टोल प्लाजा का इस तरह ला रहे हैं। ये कंडक्टर साहब ये कह रहे हैं कि टोल प्लाजा का 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है। अब ये अभी इंक्वायरी पे बात करके मैं संपर्क करूँगा उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग से और ये कंफर्म करेंगे कि ये है कि ये लोग अपना एक्स्ट्रा, इनको सैलरी मिलती है सरकार की तरफ से और एक्स्ट्रा अपना भी चार्ज कर रहे हैं, अपना अलग से इनकम है इसका, ये साफ होगा इसके बाद कॉन्टैक्ट करने के बाद, और इस पर ये वीडियो भी शेयर होगा। और अगर ये गलत है, अगर ये अपनी तरफ से अपनी ऊपर की कमाई अगर ये इस तरह से चार्ज कर रहे हैं लोगों से, तो ये गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही ये भी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि अगर ये गलत है, इस पर आप सभी को जानकारी है इस विषय में, और ये गलत तरीके से वसूल रहे हैं, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और ये प्रशासन तक ये बात जाए कि इस तरह से जो जनता है उनके ऊपर इस तरह से अतिरिक्त किराया, किराए के अतिरिक्त भी ये इस तरह से ना लिया जाए, और ये सरासर गलत है, तो इस पर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए जिससे कि जनता ना परेशान हो। जनता को जितना वैसे भी इतना किराया देकर ये सफ़र किया जा रहा है, और किस तरह से यहाँ के रोडवेजों की स्थिति देख सकते हैं कि खटखट खटखट हो रहा है। सड़क तो सुधर गए हैं लेकिन बसों की ऐसी स्थिति है कि बस सही से पर्याप्त मात्रा में ये देख सकते हैं कि इस तरह से लोग खड़े हैं, खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं, और खड़े होने के बाद भी ये इतनी भीड़ है। और बसें, मैं कम से कम 2 घंटे वेट किया हूँ बस स्टैंड पर, उसके बाद एक बस मिली है, आई है, और उसमें ये सवारी, तो इतनी सवारी इतनी ज़्यादा और बस इतने कम मात्रा में, वो भी बस की स्थिति खटखट खटखट, ये स्थिति है कि सही बस सुविधाएँ भी नहीं है, ऊपर से इतना किराया लिया जा रहा है, उछाला जा रहा है, ये सही है या गलत है? ये आप ही लोग इस पर विचार करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। इस पर अगर प्रशासन तक ये बात जाती है तो प्रशासन से भी हम निवेदन करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो जल्द से जल्द, और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो जो ऐसा अतिरिक्त किराया ले रहे हैं, ऐसे मनमानी अपने तरीके से वसूल रहे हैं जनता से पैसा ले रहे हैं, इस पर कार्रवाई हो। आप सबसे भी निवेदन कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।